पुलिस ने मंदिर में कराई प्रेमी प्रेमिका की शादी। युवती के घर वालों ने उसे पीटा तो प्रेमी संग भागी। छपरा में प्रेम प्रसंग में घर से भाग रहे प्रेमी प्रेमिका के पुलिस के पहल पर विवाह कराया गया। मामला परसा थाना क्षेत्र का है। पुलिस और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर परसा के गायत्री मंदिर में शादी करवाई। घटना मंगलवार देर रात की है, लेकिन बुधवार को मामला सामने आया जब दोनों परिवार में समझौता कराने के बाद लड़की को स्वीकार करते हुए लड़के के साथ उसके घर भेजा गया। दोनों की पहचान परसा थाना क्षेत्र के बनकेरवा गांव निवासी आरती शर्मा और मारन गांव निवासी शशि रंजन कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि आरती शर्मा का प्रेम प्रसंग डॉक्टर विनय कुमार शर्मा के बेटे शशि रंजन के साथ एक साल से चल रहा था। इसकी भनक पहले से प्रश्नों को थी, लेकिन लड़की के परिजन इस संबंध से राजी नहीं थे। लड़की प्रेमी के साथ शादी करने की जिद करने लगी, इसके कारण उसकी पिटाई भी की गई। युवती ने फोन करके परसा थाने में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद प्रेमी प्रेमिका घर से फरार होने की फिराक में थे, लेकिन थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह ने कार्रवाई करते हुए बनकेरवा ग्रामीण बैंक के पास उनको पकड़ लिया और थाने ले गए। प्रेमी युगल ने पहले से प्रेम प्रसंग की बात कहते हुए शादी रचाने की बात कही। थानाध्यक्ष ने शादी कराने का प्रयास किया, लेकिन प्रेमिका के परिवार वाले तैयार नहीं थे। जनप्रतिनिधियों और पुलिस कर्मियों के पहल पर देर रात गायत्री मंदिर में दोनों के साथ साथ फेरे हुए। विवाह के बाद दोनों पक्ष के परिजनों को बुलाकर मामले को सुलझाने की कोशिश की जाने लगी। आपको बताते चले, पुलिस ने मंदिर में कराई प्रेमी प्रेमिका की शादी। युवती के घर वालों से उसे पीटा और प्रेमी संग भागी। छपरा में प्रेम प्रसंग में घर से भाग रहे प्रेमी प्रेमिका के पुलिस के पहल पर विवाह कराया गया। मामला परसा थाना क्षेत्र का है। पुलिस और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर परसा के गायत्री मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। घटना मंगलवार देर रात की, जहां बुधवार को मामला सामने आया जब दोनों परिवार में समझौता कराने के बाद लड़की को स्वीकार करते हुए लड़के के साथ उसके घर भेजा गया। दोनों की पहचान परसा थाना क्षेत्र के बनकेरवा गांव निवासी आरती शर्मा और मारन गांव निवासी शशि रंजन कुमार के रूप में हुई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।